नवीन जी का फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहता हूँ। उड़ीसा सरकार ने खुद भी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ढेर सारे नए इनिशिएटिव लेकर पूरे देश को रास्ता बताने का काम किया है। Once again, warmly welcome Union Home Minister, श्री अमित शाह to Odisha। गोटे मंच में 190 परस्पर को कले प्रशंसा माओ दमन और प्राकृतिक विपर्यय पर ओडिशा सरकार को भूरी भूरी प्रशंसा कले केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह। आज लोकसेवा भवन में जातीय राजपथर दुईट बड़ प्रकल्प शुभारंभ करते केन्द्र मंत्री अमित शाह एवं मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। The four laning of Hamakshanagar Duburi section of NH53 or EPC has been dedicated to nation by Shri Amit Shah ji in the presence of Honorable Chief Minister Odisha and Honorable Union Minister Shri Dharmendra Pradhan. NH53 re Kamakshanagar Duburi ko 4 lane विशिष्ट रास्ता प्रकल्प उद्घाटन हुई छे। एतिसह कलाहंडी कोकोसरा ब्लॉक रो मोटे रुठारु बानेर पर्यंत भाया लुडुंगा रास्तार सुदृढ़ीकरण और संप्रसारण प्रकल्पर उद्घाटन करिछंती केन्द्र गृहमंत्री। यही अवसर में गृहमंत्री कहते देशर विकास तथा देशर भाग्य राजमार्ग सह जड़ित। गत 9 वर्ष भितर प्रधानमंत्री मोदी समग्र देश में राजमार्ग उन्नति पर बहु कार्य कर। नवीन बाबू की उपस्थिति में, धर्मेंद्र जी की उपस्थिति में समाप्त हुए NH 200 के कामाख्या नगर धुबरी 4 लेन का चौड़ीकरण का काम आज राष्ट्र को समर्पित हो गया। इस निर्माण में 51 किलोमीटर के एक खंड बनाने में 761 करोड़ रुपए की लागत भारत सरकार को आई है, परंतु यह राजमार्ग उड़ीसा के खनिज समृद्ध अंगुल और ढेंकनाल जिलों को राज्य के बाकी हिस्से और नेशनल हाईवे के माध्यम से देश के साथ जुड़ने में बहुत महत्वपूर्ण हो। ओडिशार माओ दमन नीति और प्राकृतिक विपर्यय परिचालना ने ढेर प्रशंसा करिछंती केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह। नवीन बाबू हमेशा हमारा समर्थन किया। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ओडिशारे नक्सल गतिविधि कमी थिबारु राज्य सरकार को धन्यवाद देछंती। नक्सल मुकाबिलारे ओडिशा आमको सर्वदा समर्थन करिछि बोली कहिछंती केन्द्र गृहमंत्री। सेहिभली विपर्यय मुकाबिलारे ओडिशा बहु नुआ पंथा अपनाइछि। विपर्यय मुकाबिलारे सारा देश को मार्गदर्शन करिछि ओडिशा। उन्नत कौशल आपणई विपर्यय को जीरो काजुआलिटी कार्यकारी करिबारे सफल होइछि ओडिशा। पूर्वरु बात्या आसुथिला हजार हजार लोकों को मृत्यु मुखरे पकाउथिला। एबे समय आसीछि नुआ नुआ पदक्षेप जोगु बात्यार मुकाबिला करी धन जीवन सुरक्षित करिबारे सफल होइछंती नवीन सरकार। प्राकृतिक विपर्यय मुकाबिलारे ओडिशार काम प्रशंसनीय। केन्द्र और राज्य मिसी काम कले विपर्यय भी परास्त होउछि बोली कहिछंती केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह। इसका भी पूरी दुनिया एक नोट ले रही है। एतिसह नवीन पटनायक सर्वाधिक काल मुख्यमंत्री रहिबार रेकर्ड करिबा सह खूब लोकप्रियता अर्जन करथिबा कहि तांकु प्रशंसा रे पोथी पकाइछथि अमित शाह। आज के कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित ओडिशा के मुख्यमंत्री रहने का जिन्होंने रेकॉर्ड प्रस्तावित किया है, ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान नवीन पटनायक जी। यह अवसर में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक निज भाषण आरंभ में अमित शाह को जगन्नाथों भूमि को स्वागत करते। नवीन कही नूतन ओडिशा विभिन्न क्षेत्र में नुआ माइल खुंट स्थापन करुछि। राज्यर विकास को त्वरान्वित करने को हेले जोगाजोग को सुदृढ़ करने को पड़ जेपरी गुरुप्रिया सेतु मालकानगिरीर स्वाभिमान अंचल को जोगाजोग करुछि। फलरे उक्त आदिवासी अधिकृत अंचल रे विकास पई एही सेतु वरदान सदृश पलटिछि। विजु एक्सप्रेस वे पश्चिम ओडिशा रु दक्षिण ओडिशा को जोगाजोग करुछि। चलित वर्ष आम 6500 किलोमीटर रास्ता काम सह 300 ब्रिज काम करने को लक्ष्य रखिछु। निकटरे आम 2 एयरपोर्ट काम सारिछु।
ଏଥିସହ ମାଲକାନଗିରିରେ ଏକ ବିମାନ ବନ୍ଦର କାମ ଚାଲିଛି। ଏଥିସହ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାମରେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଉଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ନବୀନ। I welcome the Honorable Home Minister, Sri Amit Shah, to Odisha, the land of Lord Jagannath. The new Odisha is a unique transformation story, setting benchmarks across various sectors. My government believes that connectivity is key to progress of the state and the empowerment of our people। लोकसभा भवन रे आयोजित एहि बैठक रे केंद्र शिक्षा और दक्षता विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मंत्री प्रफुल्ल मल्लिक, अशोक पंडा, मुख्य शासन सचिव प्रदीप जेना, पुलिस कमिशनर सोमेंद्र प्रियदर्शी प्रमुख उपस्थित थिले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 7।